कहानी नंबर 196, संतुष्ट जीवन। एक बार बस स्टैंड पर बैठा मैं अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। अभी बस स्टैंड पर बस लगी नहीं थी और मैं बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। मुझे देखकर लगभग 10 साल की एक बच्ची मेरे पास आकर बोली, बाबू पेन ले लो, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है और कुछ खा भी लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था, शायद भाई हो उसका। मैंने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए। आगे उसका सवाल बहुत प्यारा सा था, फिर हम कुछ खाएंगे कैसे? मैंने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे ज़रूर। मेरे बैग में बिस्कुट के 2 पैकेट हैं। मैंने बैग से निकाला और एक एक पैकेट दोनों को पकड़ा दिया। पर मेरी हैरानी की कोई हद ना रही जब उसने एक पैकेट वापस करके कहा, बाबूजी एक ही काफ़ी है, हम बांट लेंगे। मैं हैरान हो गया उसका जवाब सुनकर। मैंने दोबारा कहा, अरे नहीं नहीं रख लो, कोई बात नहीं। मेरी आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने जो उसने कहा। वो बोली, तो फिर आप क्या खाओगे? दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग जहां उन्नति के नाम पर इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं, वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं संतुष्ट जीवन। लोभवश किसी से इतना भी मत लेना कि उसके हिस्से का भी हम छीन लें और खा जाएं। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस संदर्भ में, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य सभी लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने इस कहानी को अंत तक देखा और अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, अतः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।